दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं दोबारा से केदार घाटी की तरफ आया हूँ और आज हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल। और मैं उसी होम स्टे में रुका हूँ जिसमें मैं लास्ट टाइम रुका जब मैं केदारनाथ आया था। तो अभी मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। ये देखिए मेरा छोटा बच्चा, से हाय बेबी, हाय हाय हाय। ये हृदय, से हाय बेबी, दिस इज माई वाइफ। और रात हम आए थे तकरीबन रात को 10:30-11 बजे के करीब पहुँचे यहाँ पे। और श्रीनगर में कोई भी होटल नहीं था, सो वो मैंने कल दोपहर में ही दीदी को कॉल कर दिया था, तो उन्होंने हमारे लिए एक रूम बुक कर दिया था और खाना भी उन्होंने अरेंज कर दिया था। ये देखिए खाया जा रहा है सुबह सुबह। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं। अभी आपको यहाँ से दोबारा होम स्टे का व्यू दिखाता हूँ, तो मिलते हैं आपसे। दोस्तों, ये देखिए सुबह का व्यू। ऐसा व्यू बहुत कम मिलता है प्रॉपर्टी में, रिजॉर्ट वगैरह में तभी दिखता है, वरना दिखता नहीं है। ये होम स्टे है, ये देखिए वो पीछे तक, वहाँ तक। ये एक पीछे रूम है और एक ये रूम है, अपना सिटिंग एरिया है। ऐसे ग्रीनरी मिल जाए तो क्या कहने। दोस्तों, ये देखिए व्यू, देखिए व्यू बड़े जबरदस्त है। अभी धारी माता देवी जी के मंदिर पर पहुंचने वाले हैं। तकरीबन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर रह गया है। पहाड़ों में आने की बात ही अलग है दोस्तों, बहुत अलग है। लेकिन एक आपको एक अच्छा रहने का और एक खाने का मिल जाए ना, तो सोने पे सुहागा। ये ले, आपको धारी माता देवी जी के दर्शन करा देता हूँ यहीं से पहले। तो दोस्तों, ये देखिए धारी माता देवी जी का टेंपल, लीजिए आप भी दर्शन कीजिए। दोस्तों, रुद्रप्रयाग क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ से ब्रिज से लेफ्ट साइड की तरफ तो हम केदारनाथ चले जाएंगे, और राइट साइड जैसे ही जाएंगे तो हम कार्तिक स्वामी टेंपल जी की तरफ निकल लेंगे। तो अभी हम क्रॉस करके हमें राइट साइड जाना है, जो कि रास्ता कार्तिक स्वामी टेंपल की तरफ जाता है। अभी आपको वे दिखाता हूँ। वाह। दोस्तों, ये रोड जाता है कार्तिक स्वामी टेंपल को। यहाँ से एक रोड नीचे गई थी और एक रोड ऊपर, तो हमें ऊपर वाली रोड पे जाना है। अब ये ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। ट्रैफिक यहाँ पे अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये देखिए अभी कार्तिक स्वामी टेम्पल जा रहे हैं, और ये देखिए व्यू, देखिए यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। चारों तरफ चीड़ के पेड़ है, ये देखिए। ये देखिए नीचे तक, बहुत ही शानदार रास्ता है, ठंडा इलाका है, मज़ा आ गया आके। तो अभी आपको आगे और दिखाता हूँ रास्ता। तो अभी रुके थे तो सोचा थोड़ा सा नज़ारों का आनंद ले लिया जाए। ये देखिए सारे अंदर बैठे हैं, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये देखिए लोग यहाँ पर ये करने आते हैं, पूरा कांच बिखरा हुआ है यहाँ पे। भैया आ रहे हो, कम से कम कुछ तो घूमने की जगह आ जाओ, ये पीना है तो अपना घर में बैठ के पियो, बर्बाद कर रहे हो पहाड़ों को भी। चलो मिलते हैं आज आपको रास्ता। दोस्तों, अभी हमने चोपटा क्रॉस किया है। ये तुंगनाथ वाला नहीं, ये दूसरा चोपटा है जो गांव में है। अच्छा बसावट वाला है, बट ठीक है, जो बात वहाँ पे है वो यहाँ पर नहीं है। अभी स्नो पीक्स भी यहाँ से दिखने लगी है। अभी दिखाऊंगा, अभी थोड़ी सी हरियाली वाला रास्ता है। दोस्तों, ये देखिए स्नो पीक्स।
वाव, ये देखिए क्या सुंदर नजारा है, क्या सुंदर नजारा है। ये कार्तिक स्वामी टेम्पल उन जगहों में जो अभी अनटच है, मतलब यहाँ पे ज्यादा यात्री नहीं आते। आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल खाली है, पहले भी देखा होगा आपने कि सड़क खाली ही थी जब भी दिखाया आपको, और अब भी बिल्कुल खाली है। जंगल का इलाका है, दिन में जा सकते हो पर जैसे ही शाम होगी, पर आप यहाँ से थोड़ा सा निकलना आपको खतरे से खाली रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ के ऊपर चढ़ते 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 कहाँ पर आ गए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा रुककर बाहर का व्यू दिखाऊंगा। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा लगा अपने टांगों को रेस्ट दे दिया जाए, तो अभी दिखाता हूँ आपको नज़ारे। देखिए ये देखिए, एकदम शांति, कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई नहीं है। वो उधर से आए, वो उस रास्ते से आए, और ये अभी ये देखिए नज़ारा, आपको वैसे भी दिखाता हूँ नज़ारा। ये देखिए पीछे, ये रास्ता है जहाँ से आए हैं, ये है यहाँ से जाएगा और वहाँ पर चलाएगा। यहाँ से तकरीबन अभी 5-6 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ पे चला जाएगा। तो दोस्तों पहुँच चुके हम कनकचोरी, यहीं से रास्ता शुरू होता है कार्तिक स्वामी टेम्पल जी का। यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये भैया, भैया आपका क्या नाम है? सूरज। सूरज, तो आना सूरज भैया के पास, अपनी गाड़ी लगाना, यहीं से प्रसाद लेना, चीज़ें लेना, खाने पीने का सामान, और ऊपर ट्रैक करना, रहने की भी व्यवस्था है जी, बिल्कुल घोड़े की व्यवस्था, अगर घोड़ा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे ट्रैक। तो ये भैया सूरज भैया की दुकान है, और यहीं से रास्ता शुरू होता है ऊपर। सूरज भैया ने बोला कि यहाँ से चले जाओ ऊपर, जाके शॉर्टकट है तो पहुँच जाओगे। चलिए चलते हैं ऊपर जी। ये देखिए, शुरू में तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ना, उसके बाद आपको थोड़ा सा पैदल पैदल आ ही जाएंगे। अभी तो शुरू कर दिया है ट्रैक, 3.5 किलोमीटर का है, अभी तो थोड़ा सा दिख ही रहा है, साफ हमें चढ़ गए हैं क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ी है, तो थोड़ा सा चढ़ना है। घोड़ों का भी है पर नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। ये देखिए पीछे आ रहे हैं। हर हर शंभू। हर हर शंभू, बच्चों को चढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैठने का भी अरेंज है, आराम से आके थक रहे हो तो बैठ सकते हैं। तो कूड़ादान भी रखा हुआ है, अगर कोई कचरा वचरा हो तो इसमें डालिए, पहाड़ों को गंदा मत कीजिए, इसीलिए कूड़ेदान बनाए हुए हैं। चलिए चलते हैं आगे ट्रैक पर। दोस्तों ट्रैक थोड़ा ठीक है, आप इसको आसान भी नहीं कह सकते ना ही मुश्किल कह सकते हैं, बट हाँ
ट्रैक, छाया छाया बहुत है यहाँ पे। और हमारे छोटे साहबजादे, हमारे छोटा सरकार चल रहे हैं, कभी मेरे कंधे पर बैठते, कभी पैदल चल रहे हैं। जहाँ पर प्लेन आ जाते हैं उतार देते हैं, और जहाँ पे हल्की सी चढ़ाई आती है तो कंधे पे बिठा लेते हैं। चलिए देखते हैं अभी कैसे चढ़ा पाते हैं अपने छोटे को। ये देखिए दोस्तों, ये चल रहा है, तीनों चल रहे हैं। और ये देखिए ट्रैक, बिल्कुल फॉरेस्ट वाला इलाका है ये। चलिए धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों। सोचा थोड़ा सा बैग लिया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे शेल्टर बने हुए हैं और आप अपनी थकान उतार सकते हैं। और ठीक है, कहीं कहीं पे चढ़ाई है और कहीं कहीं पे थोड़ा सा आसान भी है, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा है। क्यों स्वाति, मज़ा आ रहा है? हृदय कैसा लग रहा है? सो दोस्तों, ट्रैक ये नहीं पता आधा हुआ है कितना हुआ है, बट चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हाँ जी, थ्री फोर्थ हो गया। चलिए थैंक यू जी। तो अभी वनस्पतियों के बीच में ये ट्रैक, पूरी प्रकृति के बीच में ये ट्रैक करना बहुत ही एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। और छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, मैं सोचा था मैं ही लाया हूँ, पर वो दो तीन छोटे बच्चे हैं जो ये ट्रैक कर रहे हैं। और सब आपको पता ही है बच्चों को कैसे लाना पड़ता है। तो अभी तो मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ, कार्तिक स्वामी जी का टेंपल यहाँ से दिख रहा है, और आपको भी दिखा देता हूँ। इन पेड़ों के बीच में ये रहा कार्तिक स्वामी टेंपल यहाँ पर। बस अभी तो दोस्तों पहुंच गए कार्तिक स्वामी टेंपल, और ये रास्ता है। अब थोड़ा पक्का रास्ता आ गया है, बट देखते हैं आगे तक। फाइनली चढ़ाई तो काफ़ी चढ़ चुके हैं, रास्ता तो क्लियर कर दिया है चढ़ाई का, और अब ये पक्का रास्ता है। देखिए पीछे हमारा छोटा चेतन आ रहा है, और एक बड़ा चेतन, हालत तो खस्ता हो गई है दोस्तों, बट ठीक है, अच्छा है, चल रहे हैं कार्तिक स्वामी जी के दर्शन करने। सफाई का काम चल रहा है। वाह, बहुत गजब का एक्सपीरियंस है इतना ऊपर चढ़ने के बाद, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। वो रहा मंदिर अभी कार्तिक स्वामी जी का। अभी ये यहाँ से जाना है यहाँ पे, और वो वहाँ उस पहाड़ी पर पहुँचना है। ये कार्तिक स्वामी जी के बारे में लिखा हुआ है, वो है ये। देखिए दोस्तों ये सीढ़ियाँ हैं, चलते हैं अभी धीरे धीरे, बच्चे को भी ऊपर चढ़ाना है तो धीरे धीरे ही ऊपर जाएंगे। ये देखिए सो दोस्तों, कार्तिक स्वामी जी के मंदिर की मान्यता बहुत है, और पुरानी कहानियों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने कार्तिक जी को और गणेश जी को ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए बोला, तब कार्तिक जी तो निकल गए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए, और गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ ही चक्कर लगा के ये कहा, परिक्रमा पूरी की, और कहा मेरा तो ब्रह्मांड ही यही है, और उनको विजेता घोषित कर दिया। और एक ये शर्त थी, जो पहले पूरा भ्रमण करके आएगा ब्रह्मांड को तो वो प्रथम पूज्य होगा, मतलब हर काम से पहले उन्हीं की पूजा होगी, जैसे अब गणेश जी की होती है। तो इससे कार्तिक जी रुष्ट हुए, और इसी स्थान पर आकर उन्होंने
अपना मांस अपनी माता को और अपनी अस्थियां भोले बाबा जी को समर्पित कर दी और यहाँ पे तब से इस मंदिर की स्थापना हुई, ये मान्यता इसकी है। समझ में आ गया होगा, छोटे के तो आ गया। और ये देखिए पीछे सीढ़ियाँ हैं, बहुत सीढ़ियाँ हैं, चलते हुए हालत खस्ता हो गई है। सो अभी चलते हैं, ये लो दोस्तों अपने बजरंग बली जी के दर्शन कर लीजिए। ये देखे दोस्तों पहुँच चुके हम ऊपर कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में, ये देखिए। और ये अपना कार्तिक स्वामी जी का वाहन मोर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। सो ये व्यू है दोस्तों, ये देखिए इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद 360 डिग्री व्यू मिलता है और जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। मज़ा आ गया इतनी ऊपर चढ़ने के बाद, अलग ही एहसास है, कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं, सारी उतर गई। अभी आपको दिखाता हूँ, बादल लग गए हैं सारी चोटियों पर, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ पर। चलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों व्यू देखिए, ये देखिए यहाँ से कितनी ऊपर आए। ये अपना कार्तिक स्वामी जी टेम्पल, ऐसे बनाना खड़े होकर भी बनाना। जय कार्तिक स्वामी जी, पूजा कर ली हमने, अंदर की फोटो नहीं ले सकते क्योंकि मना है, साफ साफ लिखा हुआ है। और सॉरी दोस्तों अंदर की हम नहीं तस्वीर दिखा पाएंगे कुछ भी कार्तिक स्वामी जी की, दूर से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आ जाए। तो ये कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों, देख सकते हैं इधर जो अपना आता है यमुनोत्री, यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ। अभी पीछे तो नहीं दिख रही है एक्चुअली, बादल आ गए हैं तो अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, बट हाँ यहाँ का नज़ारा 360 डिग्री व्यू बहुत ही औसम, बहुत ही औसम। ये देखिए
आप सिर्फ कैमरा घुमाइए और 360 डिग्री व्यू खुद ब खुद मिल जाएगा। जय कार्तिक स्वामी जी की जय। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। बस तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, ये देखिए। आप जब ऊपर जाए तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको क्या खाना है, तो ये आपको बना कर रखेगा ताकि आप दर्शन करके आए और नीचे आके आराम से खा सके, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। सो अभी तो हमने दाल चावल और कद्दू की सब्ज़ी खाई है और वो अभी लगे हुए हैं देखिए खाने में, और सभी यही करते हैं। आप गर्म जलेबी और सब कुछ खा सकते हैं। तो अभी के लिए तो बस दोस्तों इतना ही, अभी नीचे जा रहे हैं तो अपडेट देते हैं। सो दोस्तों, मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, खाना भी खा लिया है। ऊपर छोटी सी मार्केट है, आप जब भी जाए तो वहाँ पर बोलकर जाए कि हमें खाना खाना है, वो आपके लिए दाल चावल या कोई भी सब्जी हो, परोठे वगैरह जो भी हो वो बना कर रखेंगे, ताकि आप नीचे आते ही खाना खा के आराम से फिर नीचे आ सके उतराई करके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा वीडियो को, ताकि फैमिली को थोड़ा हम भी बढ़ा सकें। अगर आपको कार्तिक स्वामी मंदिर आना है तो प्लीज़ आप, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।